चेयरमैन और जितने भी इलेक्टेड मेंबर हजरात लाका से आए हुए सरपंचिस पंचिस और मीडिया के जितने भी यहाँ पर हजरात हैं, मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर रखा है और तमाम लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब मुख्तलिफ अलाका रफ्जात से जो है लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। शहराब साहब के बारे में तफसीलन हर एक साथी जो है वो बोल चुका है, मैं तो इतना कहूँगा कि शहराब साहब आपको हम सल्यूट करते हैं, आपके काम को सल्यूट करते हैं, क्योंकि काफी तहसीलदार साहबान जो नीता और पसंदीदा बंदे होते हैं वो उनको मैं आवाम के ऊपर मसलत करता हूँ, मैं उन लोगों को वहाँ पहुँचा देता हूँ। अगर वो लोग उस चीज को अपना आप समझेंगे या अपनी काबिलियत समझेंगे वो लोग खसारा में चले जाएंगे। अगर वो इस मंसूब को समझेंगे कि अल्लाह ने हमको चुन के इतने लोगों का रिजर्व, इन लोगों की माँ बजान की हिफाजत और इनके हकों की हिफाजत के लिए अगर अल्लाह ने मुझे चुना है। सवाल सर, तहसीलदार आज हमने फेयरवेल पार्टी रखी है जी। तो यहाँ से और उनकी प्रमोशन भी हुई ठीक, तो इनके एजाज़ में हमने अच्छी तकरीब का प्रोग्राम जो है वो किया। उन्होंने बड़ा काम किया अपने दो साल ढाई साल के पीरियड में। शिराज साहब ने बहुत अच्छा काम किया। नॉर्मली एक साल में उन्होंने लगभग कोई 70-80 हज़ार तक डोमिसाइल एसटी कैटेगरी और पहाड़ी सर्टिफिकेट जो वो इशू किए यहाँ से। उसके बाद मतलब बड़े कम्पिटेंट और मोस्ट डायनामिक ऑफिसर रहे यहाँ, लोगों के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहा उनका। तो ऑफिस में बड़ा मेहनत और लगन से उन्होंने काम किया। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए बड़ा काफ़ी हमारे लिए लेकिन सब। हाँ, मैं कहूँगा कि शिराज साहब सिंधार सुनकोट दो ढाई साल के बाद यहाँ से ट्रांसफ़र हुए हैं। उन्होंने सुनकोट के आवाम के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। उन्होंने जितना प्यार दिया हमें, जिस तरीके से उन्होंने अखलाक प्यार और काम और उनकी काबिलियत, हम उनको सलाम करते हैं। और बहुत ही एक अच्छा पीरियड गुजरा है, हर किसी का काम हुआ, गरीब का, अमीर का, सबका। तो हमें ये टाइम याद रहेगा, ये जो है शिराज साहब के टाइम से ये भी याद रहेगा। और मैं शुक्रगुजार हूँ उनका। तो आप ये फेयरवेल पार्टी हमने रखी है कि हम अच्छे प्यार से। आकाश मलिक साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और वक्तन फौक्तन आपका चैनल और आप जो है जहाँ पे लोगों के इश्यूज होते हैं वहाँ पर पहुँचते हैं। आज तहसीलदार सोरनकोट जो शराज चौहान साहब थे, काफ़ी टाइम यहाँ पर सोरनकोट में उनकी पोस्टिंग रही एज ए तहसीलदार, बहुत उम्दा और अच्छा काम अंजाम देने के बाद सरकार की तरफ से जो है उनको प्रमोशन भी मिली है और अब वो रजौरी में चले गए हैं। लिहाजा उन्हीं के सिलसिले में जो है उनको आज जो है यहाँ से हम अलविदा कर रहे हैं। उस सिलसिले में डाक बंगला सोरनकोट में एक ज़बरदस्त तकरीब का इनकार किया गया, जिसमें सिविल सोसाइटी, यूथ लीडरान और इसके अलावा PRIs ने शिरकत करके उनको ज़ोरदार अल्फाज के अंदर जो है उनके काम काज की सताइश की है और दुआ की है कि अल्लाह ताला उनको मजीद ज़िंदगी के अंदर तरक्की। उस दिन जो है जो पहली पार्टी हमारी यहाँ पर जीती वो अजर नाथ जी थे, उन्होंने भोपाल मंडल की तरफ से जो पार्टी रखी थी और सिविल सोसाइटी को भी मदद किया था। आज डाक बंगला में यहाँ पर मिल जुमला जो है यूथ और सीनियर सिटीजन और बाकी जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो सारे मिलकर तहसीलदार शिराज अहमद चौहान साहब जो यहाँ से पोस्टिंग होकर रजौरी चले गए हैं, उनके कामकाज की सराहना के लिए और उनको जो है आज यहाँ अलविदाई पार्टी जो है यहाँ से दे रहे हैं। और इन दवाओं के साथ कि जितना अच्छा और बेहतर कारकर्दगी उन्होंने यहाँ दिखाई है वो फ्यूचर में भी जो है इसी तरह के काम करते रहें। SHO नियाज साहब और जो शिराज चौहान साहब हैं, इन दोनों ने यहाँ लोगों के बहुत दिल जीते हैं। घर घर में कुचे कुचे में इस वक्त बात हो रही है कि हमारे ऐसे जो ऑफिसर हैं यहाँ से, चलो तहसीलदार साहब तो प्रमोट होके जा रहे हैं लेकिन SHO साहब को कबल अज़ वक्त यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो अब ये डिपार्टमेंट की अपनी जो है तरीकाकार होता है, ट्रांसफ़र तो होनी है, पार्ट ऑफ जॉब है। तो ये बेहतर बाला ऑफिसरों ने जैसे सोचा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो काम किया है उससे जो है पुलिस का सर ऊंचा हुआ है और एक अच्छी पुलिसिंग दे कर गए हैं, लोगों के दिल जीत कर गए हैं। तो आने वाले जितने ऑफिसर्स हैं उनके लिए भी